हेलो एसटीटीवी स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आपका हिंदी की क्लास में स्वागत है। आज हम कहानी पढ़ेंगे, जब मुझको सांप ने काटा। ठीक है, एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। ये देखो नारियल का पेड़ है, इसके अंदर सांप जो है वो छिप गया, अहाते मतलब घर में। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। ठीक है, ये देखो क्या किया, खोल उठाया, खोल के अंदर सांप को पकड़ा और पत्थर लेके उसको बंद कर दिया खोल को, और नानी के पास भागा। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप। वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्ना सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, फिर कहता है, उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसने काट लिया। बड़ी जोर से दर्द उठा, मुझे दर्द से कराते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई, उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा, जहां बर ने काटा था वहां नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोंपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई, एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उनसे कहा, उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया, इसकी झाड़ फूंक कर दो। बूढ़ा मुझे झोंपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं बर्रे ने काटा है, बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वह डांट कर कहते, चुप, डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहाँ आ पहुँची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, फिर भी मुझे वहाँ जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूँक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा, उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है, अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये वाला पाठ भी पढ़ो, याद करो और समझो। धन्यवाद।